बिहार टॉप है दिव्यांश कुमार, इनका 99.92 परसेंटाइल है सीजन 2 जेई मेंस 2023 के एग्जाम में। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप पहले प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है उसको एज ए टेस्ट फॉर्मेट में दें। मैंने तो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, तो मैथ्स पे, उसके बाद केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि वहाँ स्कोरिंग है केमिस्ट्री। थोड़ा मेरा फिजिक्स वीक था लेकिन मैंने फिजिक्स पे भी मेहनत किया और उसमें भी अच्छा परसेंटेज मुझे है। फिजिक्स में तो मेरे हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से पहले जो है फोकस करना चाहिए कि कॉन्सेप्ट मुझे कितना अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि उसमें एक बार अगर कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आ जाए तो क्वेश्चन अगर उतने ज़्यादा भी आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए फिर भी आप क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग आइकनिक क्लासेस जेई मेंस सेशन 2 का रिजल्ट दिखाने वाले हैं। आइकनिक क्लासेस के स्टूडेंट्स बिहार टॉप किए और बिहार टॉप पर हमारे साथ है। बताएं, मेरा नाम यशराज है। आइकॉनिक ही में शुरुआत किए था पढ़ाई का, पहले तो कुछ पता नहीं था, यहाँ आके मालूम चला कुछ जेई वगैरह होता है। आइकनिक क्लासेस आपका कितना मदद किया आपको अचीव करने में? बस यहीं से सब हुआ है, वरना कुछ नहीं हो पाता। और क्या क्या स्ट्रेटजी रही थी आपके, कैसे पढ़ाई किया आपने? पहले तो कैसे कैसे किस किस चैप्टर में कितना मार्क्स उठता है वगैरह उस पर ध्यान दिए, फिर कैसे मतलब मेरा मैथ्स कमज़ोर है तो हम मैथ्स पे कम फोकस किए, फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा है उस पर ज़्यादा किए, वैसे मेरा था। ओके, तो मैं मतलब कि मैथ्स थोड़ी सी वीक रहे भी फिर भी स्टूडेंट्स मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं? हाँ, okay. हाँ. आपका ऐसा मानना है? कैसे आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाया था? मैंने तो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, तो मैथ्स पे, उसके बाद केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि वहाँ स्कोरिंग है केमिस्ट्री। थोड़ा मेरा फिजिक्स वीक था लेकिन मैंने फिजिक्स पे भी मेहनत किया और उसमें भी अच्छा परसेंटेज मुझे है। आइकनिक क्लासेस आपके कितने मदद की? मैं शुरुआत में तो 11th में यहाँ नहीं ज्वाइन कर पाया था, तो 12th में जब ज्वाइन किया तो उस टाइम मेरा 11th पूरी तरह से वीक था, तो सर ने मुझे बैकअप क्लास दिया। 11th 12th दोनों मुझे 12th में पढ़ाया। ओके, तो आइकॉनिक क्लासेस का कैसा एक्सपीरियंस रहा? आइकॉनिक क्लासेस का बहुत ही अच्छा रहा, सर ने बहुत मेहनत किया, हमने भी किया, पूरे आइकॉनिक क्लास के सारे सर ने भी अच्छे से हम लोग पे ध्यान दिया। और अब बारी है बिहार टॉपर की जो कि है दिव्यांश कुमार, इनका 99.92 परसेंटाइल है सीजन 2 जेई मेंस 2023 के एग्जाम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे की क्या तैयारी है? आगे तो अभी एडवांस है, एक महीना बाद उसकी तैयारी चल रही है। ओके, और क्या कुछ चीज़ें बताएंगे, कैसे आपने जेई मेंस सेशन फर्स्ट में भी आपका परसेंटाइल रहा था 99.24 समथिंग? यस, 99.24। सो अब सेकंड फेज में भी आपने अच्छा गेन किया, कैसे हो पाया है इतना, कैसे आप पढ़ाई करते हैं? ये फिजिक्स में तो मेरे हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से पहले जो है फोकस करना चाहिए कि कॉन्सेप्ट मुझे कितना अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि उसमें एक बार अगर कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आ जाए तो क्वेश्चन अगर उतने ज़्यादा भी आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए फिर भी आप क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, बना सकते हैं। केमिस्ट्री में जो है इनऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है मेंस में, तो इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल ही एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो चुका है, उसका वेटेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी से पढ़ना ज़रूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस रहते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट में भी रहते हैं क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से, तो उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। मैथ्स में जो है कोई स्टैंडर्ड बुक मेरे हिसाब से बनाना बहुत ज़रूरी है, सेंगेज या अरिहंत किसी भी एक बुक से बनाना ज़रूरी है। और फिजिक्स में कॉन्सेप्ट के लिए एच सी वर्मा सर का बुक जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से, तो मैंने वही बुक फॉलो किया था एच सी वर्मा सर का। और क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने डीसी पांडे सर की बुक को प्रेफर किया बनाने के लिए। जेई और नीट का प्रिपरेशन करने वाले अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या बताएंगे, कैसे रणनीति को बनाना पड़ता है ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पहले प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं उसको एज ए टेस्ट फॉर्मेट में दें, क्योंकि मेरे हिसाब से उससे बेहतर क्वेश्चन पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा जो एक्चुअल जेई पूछ चुका है क्वेश्चन पेपर, भले ही कितने भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से रहता है जो प्रीवियस ईयर पेपर है पहले आप उसको सॉल्व करें और उससे स्ट्रैटेजी बनाएं कि किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम अलॉट करना है। जैसे मैथ्स में मुझे लगा कि ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो मैथ्स के लिए मैं 1.5 घंटा रख देता था, 40 मिनट में फिजिक्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था और बचे टाइम में केमिस्ट्री रखता था मैं। आइकॉनिक क्लासेस का कितना मदद रहा आपको सफल बनाने में? बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा आइकॉनिक क्लासेस का, जो कभी भी कुछ भी डाउट रहता था क्लास में
क्लास में भी पूछ सकते थे, क्लास के बाद भी सर पढ़ाते थे मैथ्स में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री किसी में भी सर पढ़ाते थे, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाता था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरे हिसाब से आइकॉनिक का। एम क्या है आपका, आगे क्या करना चाहते हैं? एम तो अभी सर एडवांस की प्रिपरेशन है, देखिए एडवांस में कैसा आता है, एक महीना में। आपका एम क्या है भाई? इंजीनियर सर बनना चाह रहा हूँ। ओके, आपका फ्यूचर एम क्या है? अभी तो एडवांस कैसे भी क्वालिफाई करना है, आगे का देखेंगे। और इस मौके पर आप कुछ जो एक्सपीरियंस है उनको क्या बताएंगे, कैसे मतलब कि अपने रणनीति को कैसे बनाना चाहिए, कैसे? बस क्वेश्चन बनाए और जिसमें भी डाउट है हमेशा टीचर से पूछना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना कीमती टाइम करियर फिलोलॉजी को दिया। आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। आइकनिक क्लासेस जुड़े हुए हैं, सो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आइकनिक क्लासेस अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ खास कर रहा है। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिलोलॉजी। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच में। तो हो पाए, जय हिंद।